एक नई शुरुआत। एक पुरानी बस्ती की संकरी गलियों में एक अजय नाम का बच्चा एक दीवार के पास बैठा हुआ था। उसकी छोटी छोटी हथेलियां बाहर फैले हुए थी उम्मीद में। अजय के कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था। वह पास से गुजरते लोगों की ओर देखकर एक दया की नजर की तलाश कर रहा था। हर दिन उसका यही हाल था, वही बैठा रहता जैसे कोई अदृश्य परछाई। लेकिन आज का दिन कुछ खास लग रहा था, शायद आसमान में तैरते बादलों के कारण उसके पेट में भूख मचल रही थी। उसने देखा कि लोग हंसते खेलते हुए जा रहे हैं, उसकी पीड़ा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तभी अचानक एक छाया उसके ऊपर आ गई। अजय ने झुककर देखा, यह एक व्यक्ति था जो भव्य सूट पहने हुआ था। वह व्यक्ति रुक गया और उसकी निगाहें अजय पर गहरी पड़ गईं। उसकी आवाज गहरी लेकिन कोमल थी। यहां अकेले क्यों बैठे हो? अजय ने अपनी आवाज को इकट्ठा किया और चुपचाप कहा, मैं भूखा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी आंखों में गहरी दया देखी। तुम्हारा नाम क्या है? अजय ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अजय। अजय, मैं राहुल हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने अपनी जेब से एक नोट निकाला। अजय ने उसे देखा और चौंक गया। यह मेरे लिए है? हाँ, इसे लो, इसे कुछ खाने के लिए खरीद लो। अजय ने नोट को हाथ में लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन राहुल ने उसे भी बढ़कर कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अजय ने कुछ पल सोचा, लेकिन अंत में उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। वे पास के एक कैफे में पहुंचे जहां खाने की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, अजय ने चकित होकर देखा, जैसे एक सपना हो। राहुल ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। अजय ने पहले ही कौर में महसूस किया कि उसकी भूख धीरे धीरे मिट रही है। खाने के बाद राहुल ने अजय से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं अजय? मेरे सपने? मैं नहीं जानता, राहुल ने कहा। हर किसी के पास सपने होते हैं, बस तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत है। अजय ने धीरे धीरे कहा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, किताबें पढ़ना चाहता हूँ। तो चलो इसे साकार करते हैं। अजय की आंखों में एक चिंगारी थी। अजय ने आश्चर्य से कहा, कैसे? मैं जानता हूँ एक स्कूल जहाँ तुम्हारे जैसे बच्चों को मदद की जाती है, मैं तुम्हें वहाँ दाखिल करवा सकता हूँ। अजय का दिल धड़क उठा। आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। उस दिन के बाद अजय ने अपने सपनों को आकार लेना शुरू किया। राहुल उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गया, उसे पढ़ाई के महत्व के बारे में सिखाते हुए। अजय ने स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ उसकी जिंदगी बदल गई। वह नए दोस्त बनाने लगा और हर दिन वह सीखता गया। वर्षों बाद जब अजय ने अपने स्कूल का दीक्षांत समारोह मनाया, उसने भीड़ में राहुल को ढूंढा। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। धन्यवाद, आपने मुझ पर विश्वास किया। अजय की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि दयालु व्यक्ति ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। अजय ने अपने जीवन में कठिनाइयों को पार करते हुए अपने मेहनत से सफलता हासिल की। यह कहानी केवल एक गरीब बच्चे की नहीं थी, बल्कि एक महान व्यक्ति की भी थी, जिसने उसे उम्मीद दी। और इस तरह एक गरीब बच्चे की दीनहीन जिंदगी ने एक नई शुरुआत ली, जहां सपनों को साकार करने की एक नई राह खुल गई।